दिल्ली का 5 रायसीना रोड यूथ कांग्रेस का दफ्तर 2020 में जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी तब भी ये जो जगह है ये एक्टिविटी से बिल्कुल अब्बास थी। और आज भी आप देखिए यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं, कुर्सियां बाहर ही लगाई जा रही हैं। पीछे आपको यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं श्रीनिवास वो दिख जाएंगे। पिछली बारी यहाँ पर जो है रोटियों की मशीन लगाई गई थी जिससे प्रवासी मजदूरों को खाना दिया गया था। श्रीनिवास, सबसे पहले तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस बार क्या क्या तैयारी है, क्योंकि इस बार जो कोविड की जो सेकेंड वेव आई है वो बहुत ही ज्यादा डेडली है। यहाँ कुर्सियां वर्सियां आप बाहर ही लगा रहे हैं, क्या चक्कर है? देखिए, आपको पता होगा इस समय में जो सिचुएशन बहुत खराब है, तो सबसे ज्यादा इस समय में लोगों को मदद करने का है। और जो कुछ सोशल मीडिया से हम लोगों के लिए रिक्वेस्ट ज्यादा आ रहा है, जो सोशल मीडिया से जो रिक्वेस्ट है उन लोगों के लिए हमने पिछली बार जैसे पीपी किट्स आपने यहाँ पे मंगवाई हैं। अभी ये मुझे याद है, ये जगह थी यहाँ पर आपने मास्क बनाने के लिए पूरा लोगों को बिठा दिया था। अब की बार भी क्या आप ऐसी चीजें कुछ रोल आउट करेंगे जैसे मास्क का है, खाना बनाने का, क्योंकि बहुत सारे मजदूर भी जो पलायन कर रहे हैं? नहीं, 100% है। अभी हम मास्क पहनो इंडिया करके दोबारा हमने कार्यक्रम प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। मास्क पहनो इंडिया में वापस हमने मास्क बनाना, लोगों को उसको पहनना, अवेयरनेस रहना जरूरी है। और सैनिटाइजर, मास्क पहनना, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, तमाम चीज़ें उन लोगों के जो गरीब मजदूर लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है वहाँ, लोगों को अवेयरनेस करने का काम वो भी अभी पूरा देश भर चलेगा। 1 करोड़ मास्क। और युवा कांग्रेस का जो 7 तारीख यहाँ नेशनल एग्जीक्यूटिव में राहुल जी आए थे, तब भी राहुल जी ने हमको हिंट दिया था। जो पहला पेंडेमिक हुआ था फरवरी में, जो हिंट किया था तब भी हम लोग ने सड़क पे उतरे थे। इस समय में भी जो मीटिंग में आया था तब भी, ये दोबारा आने वाला है। आप लोग उसको आगे आने वाले दिन में लोगों के साथ में रहना, मदद करना, ये युवा कांग्रेस का परंपरा है। हमेशा लोगों को मदद करना, लोगों के साथ रहना, ये हमने काम हमने लगातार चालू रखेंगे। तो इसके अलावा पीपी किट्स हो गई, जो बाहर आप ये हेल्प डेस्क सेट कर रहे हैं, सुना है ऐसे हेल्प डेस्क जो है आप पूरे देश भर में सेटअप करने जा रहे हैं? हाँ, पूरा देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ हमारा जो कुछ सोशल मीडिया से, ट्विटर से अभी लेटेस्ट आप ये देख सकते हैं, लेटेस्ट IYC SOS IYC है। इसमें जो अभी जस्ट अभी रिक्वेस्ट आया है उन लोगों के लिए, जो इंजेक्शन का रिक्वायरमेंट है उनको मदद करना, तमाम चीजें हमने उसमें फिल्टर करता है। बहुत सारा अभी तक 40,000 के ऊपर हम लोग के पास रिक्वेस्ट आया, उसमें हमने इमरजेंसी किस किस को मदद कर सकते हैं, हम सबको तो नहीं कर सकते, हम तो सरकार नहीं है, फिर भी एक ऑर्गेनाइजेशन पार्टी के तौर पे हम कितना मदद कर सकते हैं, हमने उन लोगों को मदद कर रहे हैं। श्रीनिवास, एक और चीज है, लोग कह रहे हैं कि अगर फिल्म इंडस्ट्री के सोनू सूद हैं जो लोगों के लिए मदद के लिए निकले हैं, तो पॉलिटिकल एरिना के आप कहीं ना कहीं एक सुपरस्टार ब्लॉकबस्टर हीरो बन के उभरे हैं, उस चीज को किस तरह देखते हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पे आपने जो है, आपके ट्विटर हैंडल पे जब किसी को हम देख रहे हैं, पूरा TL जो ट्विटर लाइन होती है वो सारा भरा पड़ा लोगों का, और सिर्फ वहां पे 2-3 लोग ही नजर आते हैं। पॉलिटिकल एरिना से आप एक बहुत स्ट्रांग जो है हेल्पर और हीरो की तरह उभर के आ रहे हैं, इतनी ज्यादा आप जो मदद कर रहे हैं, किस तरह देखते हैं इसको, जो नया स्टेटस लोग आपको सिंबल दे रहे जा रहे हैं? नहीं, ये टीम वर्क है। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, मेरे पीछे मेरे जैसा हजारों कार्यकर्ता काम कर रहा है। ये श्रेय सबका जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा युवा ऑर्गेनाइजेशन है, गांव-गांव तक कार्यकर्ता हमेशा लग के अपना सुरक्षा छोड़ के लोगों को मदद करने का काम कर रहा है। ये सारे मिलके टीम वर्क से ही हुआ है, और ये श्रेय जाना है हमेशा समय समय पे हम लोग के लिए राहुल गांधी जी ने जो काम पे लगाता है, और साथ में सारे कार्यकर्ता मिलके लोगों के साथ लोगों को मदद करने का काम हम लोग ने कर रहा है, ये लगातार जारी रहेगा। तो श्रीनिवास, जो माइग्रेंट लेबरर्स पलायन कर रहे हैं, पिछली बार आपने उनको बसों में भी भेजा था, खाना भी दिया था, इस बार उस प्रॉब्लम के लिए आप किस तरह से तैयार हैं? देखिए, ऐसे दोबारा ऐसे माइग्रेंट लोग ने इनके वापस जाने का कोशिश करेगा, जो लास्ट टाइम का तो हमको एक्सपीरियंस है किस तरीके से दिक्कतें आता है, तो उस पे ऊपर ज्यादा हम लोग ने फोकस करेंगे, और ज्यादा लोगों को ज्यादा, बहुत ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चे, जो प्रेग्नेंट लेडी जो इस तरीके से वॉक कर रहा था, ऐसे तस्वीर हमने देखा, इस बार ऐसे वो ने नहीं देंगे। मैक्सिमम पहले ही उन लोगों को क्या सुरक्षा दे सकते हैं हमने, वो हम लोग ने उनको कर देते। अच्छा श्रीनिवास, एक और चीज है,
लोग आपसे किस तरह ट्विटर पे हेल्प मांग रहे हैं, क्या फिजिकली भी लोग आके आपसे हेल्प मांग रहे हैं, किस तरह से आप इसको स्ट्रीमलाइन करेंगे? एक पार्ट है ये ट्विटर, जो लोग व्हाट्सएप, फेसबुक और डायरेक्टली आके फिजिकल भी आके मदद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मैं अभी साइलेंट करके रखा हूँ, पर डे 400 फोन आते हैं सुबह से रात तक। तो मींस लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी माध्यम के थ्रू से, किसी दोस्त के थ्रू, किसी संगठन के थ्रू। दूसरा संगठन लोग भी हम लोगों के लिए टच कर रहे हैं। 100% हमारे हाथ में जो मदद कर सकते हैं, हमने उन लोगों के लिए मदद करने के लिए भी हम लोग आगे पीछे नहीं है। ये राजनीति छोड़ के एक इंसानत के तौर पे लोगों को मदद करने का ये कांग्रेस पार्टी का, युवा कांग्रेस का परंपरा है। हमारे व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मास्क पहने, सिचुएशन बहुत ज्यादा भयानक हुई पड़ी है पूरे देश भर में। हमारे व्यूअर्स को अगर कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं उन लोगों के लिए यही कहना चाहता हूँ, आप लोग मास्क पहनो, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, पैनिक होना नहीं चाहिए। ऐसा कोई सिम्टम्स लगे कंसल्ट करके, उसको बहुत सारा उसका तरीका है, वो हम जो डॉक्टर्स ने भी कुछ गाइडलाइंस निकाला है, वो घर में ही आइसोलेट हो सकता है। वहाँ भी उन लोग के लिए कुछ ऐसे मेडिसिन है और विटामिन सी गोलियां लेके तमाम चीजें, उसको जस्ट उन लोग ने उसको कंसल्ट करके उन लोग ने किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना, वो जगह इनकेस तबीयत खराब हो गया तो तब हॉस्पिटल के पास जाने का उन लोग ने कोशिश करना, और लोगों को मदद करना जरूरी है। हैशटैग है उसको यूथ कांग्रेस ने शुरू किया है। कैमरा पर्सन गंगा सिंह के साथ मैं सुप्रिया भारद्वाज, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।